फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अभी प्रीति और मैं ना द्वारका आए हुए हैं। किस लिए? आप टाइटल देख के समझ गए होंगे हम किस लिए आए हुए हैं। हाँ भाई, टाइटल में जो लिखा है उसी लिए हम आए हैं द्वारका में जागरण के लिए, और जागरण देखने के लिए आए हुए हम द्वारका में। बराबर वाले अंकल जी हैं भाई, उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया था कि माता रानी का जागरण है, आप लोगों को आना है। तो भाई प्रीति और मैं आ गए थे। दीजिए जी हैं, अभी बाहर जागरण हो रहा है और मैं भी घर में हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ। अभी काफ़ी लेट हो गया भाई आने में, क्योंकि ऑफिस है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं आने में, और जागरण तो स्टार्ट भी हो चुका है। तो चलो चलते हैं, माता रानी का जागरण देखते हैं। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो चलते हैं जागरण देखने के लिए, माता रानी के भजन सुनने के लिए। जय माता दी। एक बार दोनों हाथ लेके चक्कर लगाए, बोलो गणेश जी भगवान की। रही बिजू के गणेश जी को बुला रहे हैं क्या? किया हो अपना पधारो श्री गणेश जी। श्री गणेश जी आओ अपना पधारो श्री गणेश जी। अरे दादा, जब तुमने ज्यादा खा लिया तो बिल्कुल नहीं खाया। सच्चे दरबार की रसगुल्ले प्लेट से बाहर हो रहे थे जब खाना खा रहे थे, और आवाज निकल ना रही तुम्हारी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। क्या बात है? शिव को रखे लाडले गणेश जी, शिव को रखे। अगर श्री गणेश अच्छा हो गया तो पूरा जागरण अच्छा हो जाएगा। अगर आपने श्री गणेश में हाजिरी लगा ली तो पूरे जागरण में हाजिरी लगाओगे, और श्री गणेश ने सुस्ती दिखाई तो पूरे जागरण में सुस्ती सुस्ती आएगी। भी उठा के सीने उन्हीं का नाम लेकर पूरा करके दिखा दिया हनुमान जी ने। सच्चे दरबार की इतनी बुद्धि किस में होगी? श्री राम के आगे पूरा जोर है जितकार। कुछ भड़ास से निकलती तो हनुमान जी की तो भैया आदत थी, उन्हें दुनियादारी से कोई अब पेश कीमती माला को तोड़कर उसमें देखने लगे इसमें राम नाम भी, क्योंकि सीता मैया की जब मुंदरी लेकर गए थे ना तो उसमें राम नाम अंकित था। तो उन्होंने सोचा किसना। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए। क्यों लगदा तार को आवे से काट काट के चक्कर, मैं तो तेरा भूखा सोवे तू छप्पन भोग। भैया जी जोड़े के साथ खड़े हो, पहले दूर दूर मत जाओ, और जोड़े के साथ ही ना साथ खड़ी हो। हाँ ऐसे ही
भगवान हमेशा जोड़ी बनाए रखते और थोड़ा सा नाचिएगा आओ
आ चुका हूँ और आपने वीडियो में देखा, मतलब उधर जागरण चल रहा था, भजन चल रहे थे और अचानक से सांप का बच्चा निकल के आ गया। सांप छोटा सांप था वो, मतलब रहा होगा कम से कम 10-12 इंच का सांप रहा होगा भाई। वो एक लड़का पकड़ रहा था, उसके हाथ में भी हल्का सा काट लिया उसने, लेकिन वो ठीक है लड़का, उसे कुछ नहीं हुआ। तो भाई अचानक से सांप का आना, फिर दर्शन दे दिए भोले बाबा ने, तो बहुत अच्छा रहा। और सांप को फिर हमने भाई सेफली, जीजा जी ने उसको उठाया और उसको उठा के उस तरफ पार्क में फेंक दिया, तो वो चला गया। तो भाई अभी फिलहाल मैं घर में आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया है और 3:10 हो रहे हैं भाई। तो भाई ये था मेरा माँ भगवती के जागरण का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा भाई। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।